गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 50 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। और इन शॉर्ट मैं आपको एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बताने वाली हूँ, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, इजंट इट। पैरामीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जितने भी साइड्स है उन सबका एडिशन पैरामीटर होता है, बट एरिया डिफरेंट है। एरिया में फॉर्मूलाज होते हैं। मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर फोर साइड इक्वल रहता है, ठीक है, और पैरामीटर में मैंने देखा बताया था आपको एक फोर साइड होगा, तो चारों साइड फोर सेंटीमीटर के ही होंगे या फोर मीटर के होंगे, जो भी हो, लेकिन चारों साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होता है। अब इनका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, तो साइड इनटू साइड क्या है, मतलब एक साइड का बताओ फोर इंटू फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल देखो, मान लो यहाँ टू है, यहाँ फोर है, तो ये इधर भी टू हो जाएगा, ये भी फोर हो जाएगा, तो इसका पैरामीटर क्या बनता है, फोर फोर एट, एट टू टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, तो इसका पैरामीटर ट्वेल्व है। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला लर्न करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, टू इंटू फोर, ये क्या जो टू फोर ज़ा एट, तो एट क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर, तो ईच स्क्वायर क्या बोला गया है, ये स्क्वायर है ना, तो ये 12 मीटर दिया हुआ है, तो मान लो ये भी एक स्क्वायर है जिसका वन साइड 12 है, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड इनटू साइड ना, साइड इनटू साइड है, तो ये जो 12 है हम क्या करेंगे, 12 इनटू 12 करेंगे, तो 12 इनटू 12 कितना होता है, 144 होता है। नहीं है, समझ में आएगा तो देख मैं बता देती हूँ, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, इधर 12, फोर फोर वन आया, तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर 144 मीटर्स में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, मीटर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीटर, है समझ में। नेक्स्ट क्या है, सिक्स है, तो मान लो ये स्क्वायर सिक्स सेंटीमीटर्स के, सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, तो एक साइड सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड साइड सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स सिक्स 36 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का मैंने आपको एरिया बता दिया है।